एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए रेस्ट टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेस्ट टू पावर एन प्लस वन बाई ए रेस्ट टू पावर एन प्लस बी रेस्ट टू पावर एन मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी. ओके, वी नो दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज रूट ए बी. ओके, it is given that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 by a raised to power n plus b raised to power n equal to under root ab. okay, now squaring both sides. ab both side square karenge, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 by whole square equal to रूट ए बी होल स्क्वायर. ओके, तो वी गेट ए रेस्ट टू पावर टू टाइम्स एन प्लस वन, इट मीन्स टू एन प्लस टू. बी स्क्वायर मीन्स टू एन प्लस टू, एंड टू टाइम्स ए रेस्ट टू पावर एन प्लस वन, बी रेस्ट टू पावर एन प्लस वन, डिवाइडेड बाई और द क्रॉस मल्टीप्लाई ए रेस्ट टू पावर टू एन, बी रेस्ट टू पावर टू एन प्लस टू टाइम्स ए रेस्ट टू पावर एन बी रेस्ट टू पावर एन इंटू ए बी. ओके, इंटू ए बी नाउ मल्टीप्लाइड बाई ए बी इन दिस राइट हेयर ए रेस्ट टू पावर टू एन प्लस टू, बी रेस्ट टू पावर टू एन प्लस टू, टू टाइम्स. अब यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, टू एन प्लस वन इंटू बी, इधर हो जाएगा ए इंटू बी रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू टाइम्स ए रेस्ट टू पावर एन प्लस वन एंड बी रेस्ट टू पावर एन प्लस वन. ओके, अब देखिए यहाँ पर द बोथ साइड टू रेस्ट टू एन प्लस वन कैंसिल. ओके, एंड अरेंज द टर्म ए रेस्ट टू पावर टू एन प्लस टू माइनस ए रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन इंटू बी. इस टर्म को ले आए हैं इधर, और सेकेंड इस साइड ए इंटू बी रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन माइनस बी रेस्ट टू पावर टू एन प्लस टू. ओके, अब यहाँ पर हम लोग टू ए रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा और यहाँ b. सेम हियर b रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन ले लें तो ये बचेगा a माइनस बी. अब इसको हम लोग ले आएंगे, ये तो बोथ साइड कैंसिल हो गया. a रेस्ट टू पावर a अपॉन b रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन इक्वल टू वन. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट टू पावर टू एन प्लस वन. ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए रेस्ट टू पावर बी इक्वल टू जीरो. किसी की पावर जीरो रखेंगे तो वन. नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, टू एन प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एन इक्वल टू माइनस वन एंड एन इक्वल टू माइनस वन बाई टू. ओके, एन इक्वल टू माइनस वन बाई टू. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. 28 में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू. सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. द सम ऑफ टू नंबर्स सपोज ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन यानी सिक्स टाइम्स रूट ए बी. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 36 ए बी. ओके, एंड वी कैन फाइंड ए माइनस बी होल स्क्वायर बाय द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी. जस्ट पुट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 36 ए बी माइनस 4 ए बी, इट इज इक्वल टू द 32 ए बी. ए माइनस बी इक्वल टू 32 means 4 root 2 root AB. This is the equation number 1 and this is the 2.
adding 1 and 2. इक्वल टू ऐड करेंगे 1 एंड 2 तो b कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 36 प्लस 4 रूट 2 इट मींस 6 प्लस 4 रूट 2 36 नहीं 4 6 प्लस 4 रूट 2 रूट ab तो a इक्वल टू 3 2 से कट जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ab. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A in any equation, we get the B. Suppose in this equation, B equal to, क्या होगा? A या लिखते हैं, A minus B equal to 4 root 2 AB. And just put the value of this, 3 plus 2 root 2 root AB minus B equal to 4 root 2 AB. ये इधर आके add होगा, तो कितना हो जाएगा? देखिए, इसको यहाँ कीजिए. B इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी माइनस 4 रूट 2 रूट ए बी रूट ए बी. ये 2 रूट 2 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी. अब हमको दिखाना क्या था तो जब कि जो उनमें नंबर्स में रेशियो मीन्स ए अपॉन बी. ए अपॉन बी करेंगे तो ए इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी बाई 3 माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी. ये कैंसिल हो गया. रेशियो क्या आ गया? 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. इफ ए एंड जी बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव दैट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी. देखिए, इफ ए एम एंड जी एम आर द बिटवीन टू नंबर्स ए बी तो ए एम इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. It means a plus b equal to 2a. Arithmetic mean को क्या लिख देंगे? a. And geometric mean क्या होता? Under root ab. It means under root ab equal to g. हम लोग यहाँ से a minus b find कर सकते हैं. a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab. अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर माइनस 4ab. ab मींस ab हो जाएगा यहां से. फिर देखिए ab इक्वल टू g स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा तो 4g स्क्वायर. इट मींस a माइनस बी इक्वल टू यहां से 2 कॉमन आ गया और ये हो गया अंडर रूट a माइनस जी एंड ए प्लस जी. किसको लिख दिए? ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस जी ए प्लस जी. अब ऐड करेंगे 1 एंड 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 दिस 2. एडिंग 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा? 2a. 2a इक्वल टू 2a प्लस 2 टाइम्स रूट ए माइनस जी एंड ए प्लस जी. 2 कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस अंडर रूट a माइनस जी या a प्लस जी a माइनस जी. पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन 1 एंड 2 तो b गेट b इक्वल टू b कैसे आएगा? 2a में से इसको घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा a माइनस अंडर रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी. हमको यही प्रूव करना था कि ये दो नंबर क्या हैं? प्लस माइनस, यानी एक प्लस है और दूसरा माइनस है. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर. हर घंटे वो डबल हो जा रहे हैं. इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली
How many bacteria will be present in the second hour, fourth hour and nth hour? शुरुआत में बैक्टीरिया कितना दिया है 30, और ग्रोथ रेट क्या है वो डबल हो रहा है, आर इक्वल टू 2। इन द सेकेंड आवर इक्वल टू ए आर, इन द सेकेंड आवर इक्वल टू फर्स्ट आवर 30 × 2। देखिए थर्ड आवर की शुरुआत में कितने होंगे ए आर स्क्वायर, इट मीन्स 30 × 2² इक्वल टू 120। तो यहाँ पर कहेंगे सेकेंड आवर में कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इन द सेकेंड आवर, तो सेकेंड आवर में कितने होंगे 120, क्योंकि 120 से वो मल्टीप्लाई होना आगे शुरू होंगे। सिमिलरली फिफ्थ ए फाइव, फिफ्थ आवर में, तो फोर्थ आवर में हमको निकालना, तो हम फिफ्थ देखेंगे ए आर रेस्ट टू पावर 4, यानी उसके शुरू में कितने थे 2 रेस्ट टू पावर 4, इट इज इक्वल टू द 480। तो यही फिफ्थ आवर में भी कितने होंगे 480। एंड द nth आवर में कितने होंगे ए आर एन, कितने हो जाएंगे ए एन प्लस 1, एक टर्म आगे निकालेंगे तो ए आर रेस्ट पावर एन, इट मीन्स 30 × 2 रेस्ट पावर n। दिस नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द nth आवर 30 × 2 रेस्ट पावर n। 31, व्हाट विल बी द रुपीज 500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो 10 साल में 500 कितना हो जाएगा। लेट द प्रिंसिपल मीन्स रुपीज 500 दिया है हमको, तो इट इज ए, इक्वल टू 500, ओके, और ग्रोथ रेट क्या है 10%, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होता है पी 1 + r/100 raised to power n, तो ये कितना हो जाएगा 500 1 + 10/100, यानी 1.1, 500 × 1.1। आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 2 साल बाद निकालेंगे तो ये क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद ये हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो अमाउंट होगा क्या 500, बस टाइम बढ़ेगा स्क्वायर, यानी 500 × 1.1² सिमिलरली आफ्टर 10th ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट इक्वल टू 500 × 1.1 raised to power 10, 10 साल बाद ये होगा। लास्ट क्वेश्चन 32, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एम और जी एम 8 and 5 हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी है बहुत। Given that arithmetic mean equal to 8, okay, so it is equal to the a plus b by 2 equal to 8, it means a plus b equal to 16, and the geometric mean is given that 5, it means root ab equal to 5, and ab equal to 5 square, it means 25. Now the quadratic equation is x square minus sum of the roots and plus product of the roots equal to 0. Just put the value -16x + 25. This is the quadratic equation with AM arithmetic mean 8 and geometric mean 5. Okay.